क्या हुआ कुछ नहीं वहाँ क्या नहीं वैसे यू <laughs> हाँ? बोलो बोलो मन की सब हो गया सारा चलो रख जाएगा ये था। ये तो चलो, थोड़ा तो अम्मा जी करना ही पड़ता है कोई बात नहीं अब की बार ज्यादा बढ़िया आपकी पोती हाँ हाँ अब की बार से मतलब है कि हम ये पहले भी शूट कर चुके थे तब वो खराब हो गया था वो जब अकेले जने अब ये कही जाने ये भी तो फर्क कितने लोग हैं आज एक आदमी के कैमरे को देखे उसको मोबाइल को देखे या क्या करे अम्मा जी को तो इतना तो ज्ञान मिल चुका है अब आपको शूटिंग का मुझे तो लग रहा है अगली बार आप ही कर दोगी अच्छा इनसे कैमरा चलाने सीख लो आप क्या हो गया मैं आम... कैमरा चला तुम चलाओ कैमरा तो हेलो एवरीवन मेरा नाम है सलोनी गौड़ और बहुत सालों के आलस के बाद मैं फाइनली अपने यूट्यूब चैनल पर एक मिनट से लंबी वीडियो लेकर आ गई हूँ तो स्वागत है आप सभी का हमारे पारिवारिक पॉडकास्ट में यस येट अनदर पॉडकास्ट बट मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कम से कम चार पांच एपिसोड तक तो मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि क्या आपने एलियंस देखे और अगर देखे तो वो कैसे दिखते हैं तो बजट की कमी और नेपोटिज्म के तहत आपको मेरे साथ इस पॉडकास्ट में नजर आएंगी नई साड़ी पहनकर आई मेरी दादी और उनकी बहू मेरी मम्मी जो अभी पता नहीं किसके खौफ में है लेकिन बहुत ही शांत बैठी हैं स्वागत है आप सभी का भी हेलो बोल दो आप ठीक है हेलो इसमें ही बोलना है आज तो अच्छा हाँ मतलब इसको देख के नहीं बोलना देख आप किधर भी सकती हो हेलो आप भी बोल दो मम्मी हेलो मम्मी का नया सूट पहना मम्मी ने भी नया सूट पहना है दोस्तों <laughs> कहां से मिला था इन्हें खुद से तो खरीदा नहीं था तुमसे पूछ के बिल्कुल नहीं मम्मी 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 है हमसे पूछ के क्यों खरीदेंगे हमसे तो कोई कुछ नहीं पूछता मम्मी मालकिन है की मम्मी आप नहीं मैं नहीं हूँ मम्मी है मालकिन अच्छा आपने अच्छा वो मैं तो कब चल दू पता है न <laughs> और अभी ना जाना अभी तो हमें दो तीन एपिसोड शूट करने हैं अम्मा जी का ये हमेशा धमकी रेडी रहती है कि मेरा क्या पता मैं तो कब चल दूँ अच्छा ही है तो मैं तो चाहूँ मैं चाहती हुई हूँ चलो ये हम दूसरे एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कभी किसी दिन मृत्यु पे बात की जाएगी तो हम आप ही को बुलाएंगे <laughs> आज आज पहले एपिसोड में कभी दर्शक सैड हो जाए कि अरे दादी तो चलने फिरने की बात कर रही हैं ऊपर आपको हम ट्रैवल कराएंगे अभी आपको देश घूमना है स्वर्ग आप बाद में जाना ठीक है कई देश में घूमने की उम्र रह गई है चला जाना कुछ नहीं ढंग से तो अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं कि जैसे आप वैष्णो देवी भी जाओ तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकती हो इतनी तो आपकी पेंशन आती है आप हेलीकॉप्टर अफोर्ड कर सकती हो आती है ना इतनी तो पता ना मुझे कितनी आ गई <laughs> पहले तो आज ये फर्स्ट एपिसोड है तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को जरा अपने नाम बता दो पुष्पा शर्मा और दूसरा नाम आपका आपके दो नाम है ना क्यों दूसरा नाम क्या खराब है क्यूट है वो नाम बताओ पिस्ता शर्मा तो ये दूसरा नाम आपका क्यों चेंज हुआ ये मेरे ने रखा पुष्पा शर्मा लो बताओ मतलब शादी के बाद लड़की का घर वर तो बदल ही जाता है अम्मा जी का तो नाम बदल दिया था हाँ। पिस्ता तो कितना प्यारा नाम है अम्मा जी फिर भी बदल नहीं अच्छा लगा मैं कैसे कितनी आज्ञाकारी थी आपके आप पूरी जिंदगी आपने इसी नाम के साथ काट दी मुझे भी अच्छा लगा ओह ये बात है आप अपना नाम बता दो मम्मी सबको संगीता शर्मा सलोनी की मम्मी तो आपका नाम किसने रखा था आपको कुछ याद है नहीं मुझे याद नहीं है संगीता तो एक या तो वो थी वो सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी वो संगीता बिजलानी <laughs> हो सकता है उसे देख के रखा हो हाँ। मेरा तो नाम मेरी बुआ जी ने रखा था मतलब ये चीज मुझे एक नाम मेरा अच्छा है मुझे अच्छा भी लगता है पर ये एक चीज मुझे अजीब लगती है कि बताओ बच्चा पैदा करे मम्मी और नाम रख जाए कोई और आपने सोचा था हाँ दूसरा नाम पता ना हमने किसी को बताया भी ना ना हमने कभी है ही नहीं कोई वो तो निकला था रखा लिख रख रहा है टीवी रखा था ऐसा तो नहीं लगता मम्मी की बच्चे का नाम रखने का हक तो उसकी मम्मी को ही मिलना चाहिए रिश्तेदारों को नहीं। पर हमने तो नहीं लगाया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था मेरे पैदा होने से पहले की काश तलोनी का नाम अब सोचने लग गए क्या अब सोचे टाइम खाली बहुत है ना अब लोगों के पास की नाम ही सोच लो खाली बैठे हैं तो तो जैसे अभी हम बुआ जी की बात कर रहे थे आज का हमारा टॉपिक भी यही है रिश्तेदार वैसे बुआ जी तो रिश्तेदारों में नहीं आती वो तो घर की अपनी है तो रिश्तेदार कौन है तुम्हारे रिश्तेदार कौन है जैसे बताओ आ... कौन है अब? <laughs> बुआ जी भी हमारे रिश्तेदार ही हैं वो हमारी अपनी नहीं है अब तो रिश्तेदार ही है शादी के बाद तो लड़की चाचा ताऊ बुआ मामा मामी सब रिश्तेदार हैं कोई अपना नहीं है है ना अब तो तुम भी रिश्तेदार हो

रिश्तेदारों के बारे में ये कहा गया है कि जैसे दोस्त तो आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो लेकिन रिश्तेदार तो आपको बाई डिफॉल्ट मिल जाते हैं कि मैं पैदा हो गई या मुझे मिल गए रिश्तेदार और कोई इंसान ऐसा होता होगा जिसके रिश्तेदार अच्छे होते होंगे सारे वरना मैक्सिमम सबके खराब ही होते हैं कुछ दो चार होते हैं जो बढ़िया होते हैं तो मेरा सवाल आप दोनों से था और काफी देर से अम्मा जी बोल रही तो पहले मम्मी से पूछना चाहूंगी वरना लोग बोलेंगे कि ये सासूमा बोलने नहीं देती है बोलो भाई हाँ, तो मम्मी मेरा सवाल आपसे है कि आपका रिश्तेदारों पर क्या विचार है मतलब आपको ऐसा लगता है कि अच्छे होते हैं या आपको टॉलरेट करने पड़ते हैं कि हाँ अब हैं तो झेलो या आपको बेकार लगता है आपका बस चले तो आप उनसे ना मिलो नहीं मुझे तो अपने सारे रिश्तेदार पसंद है या आप कैमरा पर बोल रही है आपको सच में सारे पसंद नहीं है? मुझे सारे पसंद है आप क्यों हंस रही हो तो मतलब तुम तो सही हो करना चाहो बिल्कुल क्या करना चाहते हो क्या सही बताओ हाँ सही बात बताओ झूठ क्यों बोल रहा है नहीं गे? तो मुझे तो अपने अच्छे लगते हैं मेरे को तो रखा ही रिश्तेदारों ने मेरी मामा ने हाँ मम्मी मम्मी जो बड़ी हुई है वो अपनी नानी के घर पर बड़ी हुई है मुझे कोई बुरा नहीं लगता आपको ना मुझे कोई बुरा लगे ना अच्छा लगे अब आप इस सारी मोहमा है सब मैं, अब... सब नॉर्मल है क्या मतलब ना कोई ज्यादा अच्छा लगे ना कोई ज्यादा बुरा लगे अब आप इस मोहमाया से ऊपर उठ चुकी हो आप तो बस बुलावे का इंतजार कर रही हो है ना तो अब आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता अब चलो आपको तो किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको सारे अच्छे लगते हैं लेकिन एक सवाल के तौर पर आप ये बताओ कि एक ख़राब रिश्तेदार कौन होता है जैसे मेरी नज़र में तो वो होते हैं जो दूसरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरे कॉलेज जाने के बाद मुझे बहुत कुछ बोला कि अरे ये क्या वीडियोस बना रही है ये क्या कर रही है चाहे उनके खुद के बच्चे फेल हो रहे थे वो हमें ज्ञान दे रहे थे जबकि हम तो

किसी के बच्चे को कोई रिश्तेदार ज्ञान दे आपको ये चीज अच्छी लगती है ज्ञान ज्ञान दे ज्यान दे मैंने इसीलिए अम्मा जी ने कान की मशीन नहीं लगाई है इतनी महंगी दिलाई पर यूज नहीं करनी कहती है सही सुनाई देता है। अब आज लगाई होती तो आपको सही सुनाई दे रहा होता। अरे मैं कान ही सही ना दे कितने मोटे हो रहे हैं ये मुझे बहुत लोगों ने बोला था ना अरे क्या वीडियो बना रही है उनके खुद के बच्चे फेल हो रहे थे ये सही चीज थी नहीं जो जिसे अच्छा लगे वो करो हाँ तो रिश्तेदारों को ये चीज नहीं करनी चाहिए अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में भी ध्यान दो और ये तो फालतू टाइम की चीज है ए, क्या ये जो हम कर रहे हैं फालतू टाइम की चीज है नहीं पढ़ाई टाइम में पर पर मैं भाई पढ़ाई प... टाइम में पहले पढ़ाई जरूरी है तो अम्मा जी का कहना है कि मैं जो वीडियो बना रही थी कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ वो फालतू टाइम की चीज थी भाई <laughs> अब एक बताओ वीडियो में पास हो जाओ और पढ़ाई में फेल हो जाओ हॉस्टल में रह रहे हो। रहे, रहे हो हो घर से बाहर पढ़ पढ़ के बाप का इतना पैसा खर्चा हो रहा और ये लड़की वीडियो रही है हाँ। अच्छा मम्मी आप तो शादी होकर इस घर में आई आपके तो रिश्तेदार चेंज भी हुए आपको नए रिश्तेदार मिले तो आपका तब एक्सपीरियंस अच्छा था उनके साथ या आपको भी परेशान किया गया स्टार्टिंग में नहीं शुरू में नहीं भी लगा पर फिर अच्छे लगने लगे आपने परेशान किया था मम्मी को आप भी स्टार्टिंग में तो रिश्तेदार भी ना करा पूछो हम तो बेटी की तरह माने से। मम्मी ने तो नहीं क्या आप अगरी इस बात से क्या वो तो जब मैं तो <laughs> भाई माँ नहीं थी इसके बेमा की लड़की आई है हमने तो मम्मी का रोल करा के भाई हम, हम हैं अच्छा चुगली करने वाले रिश्तेदार भी बहुत होते हैं मैं तो रिश्तेदारों की कैटेगरी बनाई हम अपने घर की किसी को बताएं ना किसी की सुने अच्छा जो करे तो वो हमें सुन, सुनने हमें का तो वो बात है कि अगर कोई आपको बता भी जाएगा तो आपको सुनाई तो देगा नहीं आप मशीन नहीं लगाती नहीं हमें पसंद भी ना कोई अपनी बतावे पर अगर कोई बताएगा भी तो आप सुन थोड़ी पाओगी क्यों ना सुने इतनी कम ना सुनो <laughs> फिर हमारे पैसे क्यों गए मशीन में तुमने जबरदस्ती मैंने कही पहले मैं कान दिखाऊंगी तो तुमने तुमने एकदम मशीन वाले दो बुला लिए चेक करके चला गया दूसरी आई तो वो तो मशीन ही लेके आई ये तो हमारा केयर की तरफ से आ रहा था ना हम आपका ध्यान रखना चाह रहे थे मम्मी से पूछ लेते हैं आपने तो बोला आप ना चुगली सुनती हो ना करती हो बहुत अच्छी बात है आप में तो पसंद भी नहीं है किसी की चुगली सुननी आप में तो क्वालिटीज ही इतनी है कि बंदा थक जाए गिनाते गिनाते कि, कि, कि भाई क्या परफेक्ट औरत बनाई लेकिन मम्मी से जानते हैं मम्मी आपका क्या ख्याल है चुगली करने वाले रिश्तेदारों पर भाई जब सुनाएंगे तो कान थोड़ी ना बंद कर लेंगे हम अपने हाँ आप आनंद लेके सुनती हो ना लेकिन आप हाँ तो सुनेंगे तो है उसमें तो मजे आ रहे हैं हाँ तो नहीं करते उसमें साथ में अच्छा कभी नहीं किया आपने नहीं ऐसे नहीं करते बस सुन लेते हैं हाँ मैं भी बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनती हूँ और मैं तो आगे फैला भी देती हूँ अगर कभी हो ऐसा कुछ <laughs> फैला तो दो की नहीं। चार लगा के आप फैला भी नहीं, दो। कोई अपनी अगर सुना रहा है तो सुनते रहते हैं कि भाई वो अपना मन मन हल्का हल्का कर कर रहा है मन कर... <laughs> और क्या कोई परेशान हो भी तो तो सुनाता है तो मतलब आपको तो ऐसे रिश्तेदार मिल गए हैं जो चुगली करते हैं मेरी अभी नई नई शादी हुई मुझे नहीं मिले अभी ऐसे जो मुझे फोन करके बताए की खानदान में अभी ये चल रहा है रिश्तेदारों का एक कैटेगरी वो भी होती है जो शादियों में रुट जाते हैं है ना हमारे ज्यादा तो? है ना रिश्तेदार हमारे कम है हमारे रिश्तेदार तो अम्मा जी ने कम कर दिया थे आधे तो नहीं है ही ना? <laughs> नहीं मैं बताती हूँ ना कैसे कम हुए हमारे रिश्तेदार आपके कितने बच्चे हुए थे अम्मा जी बच्चों से क्या है दो बच्चे हैं नहीं अब कितने वो नहीं पहले कितने थे चार चार थे दो अम्मा जी ने कर दिए चेचक लिख ली दोनों के हाँ उसी में ठीक नहीं हुए उसी में खत्म खतम तो हमारे रिश्तेदार तो आधे तो ऐसे ही कम हो गए फिर एक मेरे पापा है और एक मेरी बुआ है फिर कुछ लोगों से हमने रखी नहीं है ना जितने वो दूर होते जाओ भाई जितने होते जा उनके बच्चे भी बड़े हो गए हमारे भी दूर और आप रखना चाहती तो रख ही लेती ना तो है वो तो मेरी शादी में तो नहीं बुलाया आपने तेरी शादी में नहीं बुआ जी एक ही तो आई एक तो मर गयी अच्छा इससे ये पता चलता है कि मैंने अपने रिश्तेदारों से कितनी एक कम रखी कितने जी खत्म कि एक बुआ जी खत्म दो फूफा जी खत्म एक बुआ जी रह गई वो वाले फूफा जी जैसे फूफा जीओ का होता है ना वो शादी में रूठते हैं वो थे ऐसे जो रूठने वाले नहीं हमारे कोई ऐसे नहीं अभी वाले भी ऐसे नहीं है जो शादियों में रूट जाए तो है वो नहीं देख पाएंगे वीडियो नहीं नहीं तो मेरे से तो कभी रूटते ही नहीं है वो अम्मा जी से रूठे हो तब तो मुझे नहीं पता ना हम तो कभी नहीं रूठे वो कहीं आना जाना पसंद नहीं करते हैं ज्यादा अच्छा बस घर पे रहो अपना अपने ड्यूटी करी अपना घर अब तो रिटायर हो गए अब तो घूमना चाहिए फिर उन्हें तो कहीं ना जाऊ वो तो तो तेरी शादी में रुक के गए वो चार दिन आपकी तो था रुके तीन चार दिन ये तो अच्छी बात है फिर वो अपने बेटे की शादी से बदल गए खुद के मैं। ऐसा चेंज कैसे आया कह रहे हैं मैं बंटी की शादी से बहुत बदल गया मैं इनकी अच्छी बात है ये तो एक तो मेरे परिवार की अब कोई प्राइवेसी नहीं रही बुआ के बच्चों के नाम भी रिवील कर दिए बंटी बंटी चलो ठीक है अच्छी बात है वो तब बदल गए उनमें ये बदलाव आ गया मेरी शादी के बाद आपके जीवन में कोई बदलाव आया अब हमें बेफिक्री हो 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 गई 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 कि लड़की लड़की की भी हो लड़की की भी भी शादी ओ पर देवती रह है एक अच्छा ऐसे ही धीरे धीरे आकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं कि नहीं बस वही रह गई है क्योंकि पहले पर... अम्मा जी ये कहती थी कि बस तेरी शादी और देख लू फिर मेरी शादी होते ही अम्मा जी ने बोला कि नहीं, तो कोई इच्छा नहीं है ज्यादा जो देख ले तो ठीक है ना देखो तो अच्छा चलो मम्मी के पर आते अभी हम गुस्सा होने वाले रिश्तेदारों की बात कर रहे थे और कुछ रिश्तेदार नाम से ही ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं जैसे नाना और नानी वो कभी किसी के बुरे नहीं होते आपने देखे हैं किसी की रिश्तेदारी में ऐसे कि किसी के नाना ख़राब निकल गए हो कि उसकी तो नानी इतनी बदतमीज़ है यार बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में घर आते हैं बॉल नहीं देती खेलने के लिए हाँ वो ऐसे बहुत लोग कर देते हैं पर हमारे तो ऐसे हमारे गए भी नहीं है इतना अम्मा जी आप ऐसा करती थी बुआ जी के बच्चों के लिए आप ऐसी वाली नानी थी या अच्छी वाली नानी थी ठीक ये ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे ओह कितनी ऑनेस्टी <laughs> खुद ही अच्छे से बता दिया कि हम तो ठीक ही थे और आप भी तो किसी का रिश्तेदार ही हो वैसे ये एंगल तो मैं सोचना भूल गई थी कोई आपको आपको क्या लगता है आपके पीठ पीछे आपकी बुराई होती होगी या भलाई आप कैसे रहे हो दूसरों के लिए अब हमें किसी क्या पता है कि बुराई करे या भलाई करे जिसकी बुराई करने की आदत वो तो, तो करेगा ही लोगों में अच्छे संस्कार अब कम हो गए हैं ना मम्मी मैं तो नहीं कह सकती कि कोई हमें बेकार बताता होगा हम जब किसी को नहीं बताते तो ये सोच भी नहीं सकती मैं तो बता देती हूँ मुझे भी बेकार बताते होंगे फिर है ना हम तो नहीं गए तो ये जैसे रजत की जो मम्मी है वो मेरी रिश्तेदार लगी कोई ये वो मेरी रिश्तेदारी में आएंगी या वो मेरी अपनी हो गई है अब तेरी सासू माँ है हाँ, वो मेरी सासू मा अब रिश्तेदारी में है या मेरी और, अपनी हो गई है? अपनी है और रिश्तेदारी का आएगी अब अब तो अपनी है वो आप लोग रिश्तेदार हो आपस में मैं उनकी अपनी हूँ मम्मी से पूछना तू तो अम्मा पास में बैठी है तो अम्मा की

थोड़ा थोड़ा ज्यादा बोलने लगे हैं पर कितना बोले अरे तुम्हारे परवावा पर का जन्मदिन है तीन फरवरी हाँ ये भी बता दो हम कब शूट कर रहे हैं हम तीन फरवरी को शूट कर रहे हैं आज हमारे परवावा का बर्थडे है आपके ससुर जी का तो क्या बनाया फिर आपने आज आलू के पराठे कुछ रिश्तेदार वो वाले भी होते हैं जिन्हें आप जैसे कि वो हमारे घर आए आप अगर पानी पूछने में भी पाँच मिनट लेट हो गई तो ये बोलते हैं कि उनके घर पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया हाँ ऐसे भी होते हैं आपको नहीं लगता कि ये मतलब गलत चीज है है तो गलत ही थोड़ा कई बार भूल भी जाते हैं भूल जाते बातों में लग जाते हैं जैसे हमारी तो एक मम्मी तो डर रही है मैं तो बोल देती हूँ हमारी एक नानी है

भले ही डेढ़ घंटा बिठा के बनाए लेकिन बहुत अच्छे पर ये गलत बात है ना ऐसे किसी के घर पे जाके इतना तहलका नहीं मचा देना चाहिए भाई अपने आ, घर से खाना खा के जाओ हाँ सही बात है अपने घर से खा के जाओ। क्यों जाओ के किसी के जा रहे तो अपनी खाना नानी, नानी के यहाँ तो जाके खा सकते हैं पर आपको आपको ये चीज सही लगती जैसे कुछ रिश्तेदार वो भी होते हैं किसी के घर पे आके रुक गए चार पांच दिन अब जा ही नहीं रहे अब ऐसा जमाना नहीं है क्यों क्या हो गया अब इस जमाने में क्या प्रॉब्लम तो है, गिने चुने है में अपने, थी, तो वही तो क्यों, पहले तो पहले इतना कुनबा होता था तब रहने की जगह नहीं होती थी अब रहने की जगह है तो क्यों ना आए कोई जब को? वैसी आदत पड़ गई फिर अब ऐसी आदत पड़ गई कोई अच्छा अब अम्मा जी इंट्रोवर्ट हो गई है एक तरीके से मतलब वो नहीं चाहती की और लोग आए उनके घर में आए चले जाओ जो एक दो दिन रोके और जाओ नहीं हम कहीं हम कहीं जाना भी नहीं चाहते हम भी अपने घर रहना चाहें अच्छा बुआ जी के घर भी नहीं जाना चाहती हैं आप बुआ जी के तो ठीक है वो तो बुआ जी तो बहुत ध्यान रखे हैं अच्छा मतलब अम्मा जी जाती है अगर किसी के घर जाएं तो हमारा ध्यान रखे वरना हम कहीं नहीं जाएंगे और वो हमारे घर भी ना आए है ना और आए तो कितने दिन में चले जाए आए तो, आए एक दो दिन रहो चले जाओ किसी का मूड हो गया वो चार पाँच दिन रुके तो फिर आप तो कह दोगे दो दिन के बाद भैया आज आपका चेकआउट टाइम हो गया आप ऐसा टाइम ना अपने घर रहो अपने घर रहो सब हाँ कोविड के टाइम के बाद से मे भी ऐसा हुआ है अम्मा जी के साथ कि अम्मा जी ने सोच ली मैं आई हुई हूँ तो हाँ अम्मा बहुत बढ़िया सवाल मम्मी की तरफ से आया है या ये या तो मम्मी का अपना सवाल था बहुत टाइम से कि सलोनी रोज आ जाती है घर मैं आती हूँ घर तो आपको वो सही लगता है कि आपने बोला ना मैं भी अब रिश्तेदार हो गई हूँ मैं आने को मना ना करूँ मैं तो यूँ कहूँ भाई कई घंटे हो गए तुझे जा मानो बारह बजे एक बजे दो बजे आ गई और सात बज गए मैन की सलोनी अब जाके एक घंटे हो गए तुझे आए <laughs> उन्हें कर? भी देख अरे तो तो मेरा घर तो दस मिनट दूर है और मैं काम करने के लिए आती हूँ मैं खाली थोड़ा, हाँ, थोड़ा वो तो है अच्छा अब जी तो मेरे काम को ही फालतू बांधती है फालतू काम है नहीं, नहीं। अभी रिश्तेदारों के घर पे आने की बात कर रहे हैं अब अपनी बात करो और रिश्तेदारों को छोड़ो अरे मेरा टॉपिक ही यही है यार मतलब टॉपिक यही है तो ठीक अगली बार बात करेंगे अपनी अभी अपनी करी तो थी स्टार्टिंग में जब आपसे पूछा था आप अपना नाम बताओ वो अपनी तो बात थी तब आप शर्मा रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी आप आपको अपनी बात करनी आप अपनी उम्र बता दो लोगों को बता दो कितने साल की हो क्यों देख लो लो <laughs> अब आपने कह दिया क्यों मम्मी वो कौन सी ब्रीड होती है रिश्तेदारों की जो आती अलमारियाँ चेक करने लगती है क्योंकि आपने हमें बचपन में यही बोला है कि अरे तेरी बुआ जी आ रही है तेरे ये रिश्तेदार आ रहे हैं अलमारी सेट कर लो आपको क्या लगता है कि आते ही अलमारी खोलेंगे नहीं कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कैसा है घर जरा देखे अच्छा ये अलमारी और खोलते जाएंगे साथ साथ हाँ, तो फिर इसका तो ये सोल्यूशन है या तो रिश्तेदार ना आए वरना अपनी अलमारी तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे नहीं खोलनी चाहिए किसी की अलमारी तो तो ये बहुत बड़ा टास्क हो गया फिर कल पता चल रहा है कि मौसी आ रही है पहले अलमारी लगाओ बैठ के हाँ लगा के तो रखनी चाहिए वैसे। आपने कभी की है ऐसी किसी के घर पे उसकी अलमारी खोलने लग गई नहीं आप एक आदर्श रिश्तेदार प्रतीत हो रहे हैं मुझे नहीं वो तो रिश्तेदार जानते होंगे आदर्श है हम या कैसे है चलो कोई बात नहीं अब आप हम हम थोड़ा क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं तो आप हमें यही बता दो कि आपके हिसाब से एक अच्छा रिश्तेदार कौन है जो आए चुपचाप बैठे बस थोड़ा बहुत हाल चाल पूछे ये नहीं है कि फालतू की कुछ भी आपके हिसाब से कौन है कोई है, ऐसा कोई नहीं क्या अरे आपको अच्छे रिश्तेदार की परिभाषा बतानी है मतलब आगे आपके हिसाब से एक आदर्श रिश्तेदार कौन होगा आदर्श कौन हो मैं ये तो मुझे पता ही ना जैसे इसकी लाली मौसी हाँ जैसे मेरी लाली मौसी वो आदर्श है हाँ तो वो तो मैं बेचारी काम में लग जाऊ आके तो वही हम ऐसे ही ऐसे रिश्तेदार आए तो कोई परेशानी नहीं और जो जो काम भी करें खुद से वो रिश्तेदार अम्मा जी को पसंद है वो नहीं पसंद जो आके सोफे पे पसर जाए कि आगे बैठ गए अब तुम सेवा करो बैठ गए खाना खाया लेट गए लेटते क्यों भाई हमारे तक ये चादर गंदी करके जाते हैं भाई लेटना नहीं है तो आई थिंक इतना ही है आज तो हमारे पास रिश्तेदारों के ऊपर और मेरे लिए कोई आदर्श रिश्तेदार तो है नहीं अः मुझे तो लगता है रिश्तेदार मतलब दोस्त बनाओ यार और रिश्तेदार हो तो फिर मेरे मम्मी और दादी जैसे हो जो हाँ मतलब ना पंगे लें किसी के काम में ना टांग अड़ाएं मतलब किसी के बच्चे को कोई ज्ञान ना पे जैसे मैंने मम्मी को कभी नहीं देखा कि वो किसी और के बच्चे के मार्क्स पूछ रही हो अनलेस उसने पहले मेरे मार्क्स पूछे हों तब तो मम्मी भी पूछ लेती थी वरना मम्मी एकदम वो नो नॉन सेंस पर्सन की ठीक है जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो तो आई तो थिंक यही एक आइडियल रिश्तेदार होगा कुछ समझ भी आया बस ऐसे कर दिया है ना नहीं आया ना क्यों आ गया और क्या तो आप इंसान भी ऐसा बने जो सारी बातें समझ जाए ठीक है बाय बोल दो खत्म हो गया बाय माइक को बोल दिया आपने अरे बाय सारे दर्शकों को बोला है ठीक है आप बोलिए मम्मी की एनर्जी सारी एंड में निकली है चलो बढ़िया अब मम्मी को समझा देना खत्म हो गया अब आप कुछ भी बोल सकती हो मम्मी को समझा दो कि अगले में बोले अगले में सही से बोल रहे बस इतना ही था